कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का ही एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दो कंपाउंड बेसिकली, जिसका आप लोग अपने घर में जरूर यूज करते होंगे। पता है कौन सा वो दो कंपाउंड? सॉप और डिटर्जेंट। जी हाँ, सॉप और डिटर्जेंट, ये दोनों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना कॉमन है जो हम सब लोग अपने घर में यूज करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे, ये दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसका रिएक्शन क्या है, नेचर क्या है, पूरा फिजिकल केमिकल अप्लीकेशन, इन सबको डिटेल में एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सॉप के बारे में। देखो, सॉप की बात की जाए ना, तो पहले मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सॉप किसको बोलेंगे? सॉप जो होता है ना, एक लॉन्ग चैन फैटिक एसिड का होता है, ध्यान देना, एक लॉन्ग चैन फैटिक एसिड का होता है, और उसके उसमें सोडियम या फिर पोटेशियम अटैच होता है। लॉन्ग टर्म लॉन्ग चैन फैटी एसिड कहने का मतलब ये हुआ, COOO-Na+, Na+, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो COO-पोटेशियम+, ऐसे। तो ये एक सॉप का स्ट्रक्चर है, ये हमारा सॉप का स्ट्रक्चर। लॉन्ग चैन फैटी एसिड मतलब कि जो आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप है ना, वो काफी बड़ा होगा। किसमें? सॉप के केस में। या डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे तो डिटर्जेंट में भी देखोगे ना, तो जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो काफी बड़ा होगा, और उस हाइड्रोकार्बन ग्रुप के ना एक एंड पे सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट देखने को मिलेगा, और दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज सॉप। और वही उसके अंदर ना एबिलिटी बनाता है, सॉप का एबिलिटी बनाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ये RCOO-Na+, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, या फिर आप पोटेशियम प्लस भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो सॉप समझ गए होंगे कि लॉन्ग चैन फैटिक एसिड जिससे सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट अटैच होगा, डेट इज नोन एज सॉप, ठीक है। वो लॉन्ग चैन फैटी एसिड जो है क्या होता है, ये यही हाइड्रोकार्बन होता है। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट में भी वही बात है, डिटर्जेंट में भी लॉन्ग चैन फैटी एसिड है, डेट इज हाइड्रोकार्बन, और उस हाइड्रोकार्बन से क्या अटैच होगा, उस हाइड्रोकार्बन से सल्फेट साल्ट या फिर एमोनियम साल्ट अटैच होगा। तो देखो, एक बेसिक डिफरेंस आपको यहां पे मिल रहा होगा। सॉप के केस में क्या होता है ना, हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन हाइड्रो लॉन्ग लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन के साथ क्या अटैच होता है, या तो सोडियम नहीं तो पोटेशियम, पोटेशियम है ना, या फिर सोडियम नहीं तो पोटेशियम साल्ट अटैच होगा। और जब लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन के साथ अमोनिया अटैच हो, अमोनियम साल्ट अटैच हो, ठीक है, या फिर सल्फेट साल्ट अटैच हो, सल्फोनेट सल्फोनेट साल्ट अटैच हो, तो उस केस में किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, डिटर्जेंट का फॉर्मेशन करेगा। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा सॉप और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। सॉप के केस में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन तो होगा ही, दोनों में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन सॉप के केस में ना सोडियम साल्ट या फिर पोटेशियम साल्ट अटैच होता है, ठीक है, जबकि डिटर्जेंट के केस में क्या होता है, लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन के साथ अमोनियम या फिर सल्फोनेट साल्ट अटैच होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है साल्ट या फिर डिटर्जेंट में, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब सॉप या फिर डिटर्जेंट के बारे में हमने तो एक बेसिक आइडिया क्रिएट कर लिया। अब एक बेसिक चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं, तब इसी कंसेप्ट को और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। देखो, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर की बात करें ना, तो इसको इसके बारे में एक बेसिक व्यू लेते हैं। देखो, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर की बात की जाए ना, तो हार्ड वाटर जो होता है ना वो इफेक्टिव होता है, सॉफ्ट जो होता है ना, सॉफ्ट इज नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव। किसमें? हार्ड वाटर में। आप हार्ड वाटर ले आओ, उसमें सॉप को डिजोल्व करो,
तो आपका सॉप जो होगा ना वो इफेक्टिव ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा, वो प्रॉपर अपना प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वही सॉफ्ट वाटर में जब डिजोल्व करोगे तो ये इफेक्टिव होता है। ये क्या होता है? इफेक्टिव होता है, लिख सकते हो, मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं। हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है सॉप, जबकि सॉफ्ट वाटर में सॉप इफेक्टिव होता है। अच्छा, और भी कोई प्रॉपर्टी है? जी बिल्कुल, हार्ड वाटर जो होता है ना वो कंटेन करता है, कंटेन मिनरल लाइक, कंटेन मिनरल लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो हार्ड वाटर जब आप देखोगे ना तो हार्ड वाटर में बेसिकली मिनरल प्रेजेंट होता है, किसका? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जबकि सॉफ्ट वाटर को देखोगे ना तो इसमें मिनरल नहीं होता है, इसमें सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। हार्ड वाटर जो है ना, जनरली जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है। हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें हार्ड वाटर देखने को मिलता है, मतलब वो ग्राउंड वाटर में सॉप को अगर आप डिजॉल्व करते हो ना तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा ग्राउंड वाटर, ग्राउंड ग्राउंड वाटर लाइक डीप वेल, डीप वेल कुआं जो होता है ना, ग्राउंड वाटर जो कुआं से हम लोग पानी निकालते हैं, तो वो हार्ड वाटर देखने को मिलता है। जबकि वहीं पे हम रेन वाटर को देखें तो ये जो है ना ये सॉफ्ट वाटर होता है, रेन वाटर जो है हमारा सॉफ्ट वाटर होता है। तो ये मैंने एक बेसिक सा नॉलेज दिया है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का। एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, जो कुआं वगैरह का पानी होता है ना वो हार्ड वाटर होता है, उसमें बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम का मिनरल प्रेजेंट होता है और उसमें सॉप इफेक्टिव नहीं होता है। जबकि सॉफ्ट वाटर जो होता है ना वो रेन वाटर होता है, उसमें सोडियम आयन प्रेजेंट होता है और सॉप जो है ना प्रॉपर ढंग से इफेक्टिव होता है। तो आई होप आपको प्रॉपर ढंग से इतना बात समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझो, सॉप और डिटर्जेंट के बारे में मैंने तो बता दिया कि सॉप क्या होगा। सॉप एक ऐसा लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन का होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम नहीं तो पोटेशियम साल्ट प्रेजेंट होगा। जबकि डिटर्जेंट क्या होगा, डिटर्जेंट जो है एक ऐसा लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें सल्फेट या फिर अमोनिया, ये ठीक है, इसका आयन प्रेजेंट होगा। यहां पे हम लोग एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं सॉप और डिटर्जेंट का। देखो सॉप जो होता है ना वही बात, सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट का लॉन्ग चेन होता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो किसका लॉन्ग चेन होता है, अमोनियम या फिर सल्फोनेट साल्ट का लॉन्ग चेन होता है, ठीक है। सॉप के केस में जो आयोनिक पार्ट होता है, आयोनिक पार्ट ध्यान से सुनना, सॉप के केस में जो आयोनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, सोडियम साल्ट का, CO-Na+, ठीक है। जबकि डिटर्जेंट के केस में जो आयोनिक पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कि सॉप जो है ना वो उसका एफिशिएंसी काफी कम होता है, किस चीज में, हार्ड वाटर में, ठीक है। इसीलिए हम लोग हार्ड वाटर में ना पूछ लिया जाएगा कि हार्ड वाटर में सॉप को क्यों नहीं हम लोग यूज करते, क्योंकि सॉप का एफिशिएंसी घट जाता है हार्ड वाटर में। जबकि डिटर्जेंट के केस में क्या होता है, इसका एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है हार्ड वाटर में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉप का एफिशिएंसी घट जाता है हार्ड वाटर के केस में, जबकि डिटर्जेंट का एफिशिएंसी वही नो चेंजेज होता है, अनइफेक्टेड होता है। एंड नाउ मूव ऑन फोर्थ पॉइंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल सॉप जो होता है ना बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि डिटर्जेंट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। देखो बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो, जैसे सॉप को हमने यूज किया, ठीक है, तो सॉप को जब यूज करेंगे ना तो ओवर द लॉन्ग टाइम, ओवर द लॉन्ग टाइम वो प्रॉपर ढंग से हमारे अर्थ का जो लैंड फॉर्म है उस लैंड फॉर्म पे डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किसी भी तरीके से हो सकता है, केमिकल एक्शन से हो सकता है, बायोलॉजिकल एक्शन से हो सकता है, ज्योग्राफिकल एक्शन से हो सकता है, तो किसी भी माध्यम से डिकम्पोज हो जाए ना, डेट इज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो सॉप जो है हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल है।
जबकि डिटर्जेंट को देखोगे ना तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और यही सबसे खतरनाक पॉइंट है इसके बारे में। क्योंकि अब जरा सोचो, कोई ऐसा सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है डिटर्जेंट का कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट जो है ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा प्रेजेंट होता है, ये कभी डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, थ्रू एनी मीडियम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये आपको डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, एडवांटेज क्या है डिटर्जेंट का, क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है? तो देखो, डिटर्जेंट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना, डिटर्जेंट का एडवांटेज, एक बड़ा एडवांटेज क्या है कि डिटर्जेंट का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है, जबकि सॉप जो है ना हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है डिटर्जेंट के साथ। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाएगा सॉप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो सॉप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सॉप जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल होता है, बट डिटर्जेंट इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल। तो ये हम लोग को एक अच्छा है ना, हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो है ना सॉप, क्योंकि सॉप को हम यूज करेंगे और जैसे ही यूज करेंगे तो ओवर द टाइम वो हमारे इन्वायरमेंट में डिग्रेडेट कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, और जब डिकम्पोज कर जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो चीज। तो सॉप का ये बड़ा एडवांटेज है कि सॉप आर बायोडिग्रेडेबल बट डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। अब कुछ क्लीनिंग एक्शन पे बात कर लेते हैं, जो सॉप है और डिटर्जेंट वो कैसे काम करता है। तो देखो, सॉप है या फिर डिटर्जेंट वो दो पार्ट से बने होते हैं, ठीक है, एक पार्ट जो है आयोनिक पार्ट होता है और एक पार्ट क्या होता है, मैं मार्क कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, एक आयोनिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो एक आयोनिक पार्ट और एक हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब सुनिए, जो आपका आयोनिक पार्ट है, जो आपका देखो सॉप हो या डिटर्जेंट, तो जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब क्या हुआ, देखो फोबिक मतलब डर लगना और हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब कि जो वाटर को रिपेल करता हो। तो जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, देखो जो रेड कलर से मैंने बता रखा है, जो रेड कलर से बता रखा है, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब ये वाटर को रिपेल करता है, इसके पास अगर वाटर जाएगा ना तो रिपेल कर देगा। तो जो आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ना वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर रिपेलिंग है, जबकि आपका आयोनिक पार्ट जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, फिलिक मतलब लविंग होता है, अट्रैक्शन होता है, और हाइड्रो मतलब वाटर। तो जो आपका आयोनिक पार्ट है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये आपका जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो वाटर को रिपेल करेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, जो आपका आयोनिक पार्ट है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, जबकि जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो रेड कलर से मैंने बता रखा है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को रिपेल करेगा। और ये इसी आधार पे ना ये पूरा का पूरा आपका काम करता है। कैसे काम करता है आप ध्यान से सुनो, जो आपका रेड वाला पार्ट है वो तो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर को रिपेल करेगा, जब वाटर को रिपेल करेगा ना तो फैट को अट्रैक्ट करेगा। तो आपके जैसे कोई भी कैसे डिटर्जेंट हो या सॉप हो, उसको हम लोग साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वाटर को रिपेल करेगा जो लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन है वो, और जब वो वाटर को रिपेल करेगा तो वाइल्ड पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है फैट को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फैट को अट्रैक्ट करने कर लेता है, ठीक है। और जो आपको आयोनिक पार्ट है, तो आयोनिक पार्ट तो हाइड्रोफिलिक होता है ना, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जब वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो आपका जो गंदा पानी है या कोई भी गंदगी है तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा, कौन सा पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, आयोनिक पार्ट, वो अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो मान लो कोई गंदा कपड़ा है या आपका बॉडी है वो पूरा का पूरा साफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रॉपर ढंग से समझ में आया होगा, है ना, ये आप कैसे काम करते हैं, इसका क्लीनिंग फंक्शन कैसे है वो आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने लेक्चर लिया और इसमें जो भी मैंने सॉप और डिटर्जेंट, ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का,
वो प्रॉपर ढंग से समझ में आया होगा। एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और सारे कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।